परवरदिगार हर लम्हा माफी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाजिर ते सलामत कर। सज्जणों ते भराओ, गल इह है जी कि एक तां बिल्ली थैले च बाहर आनी शुरू हो गई जी। फिर दोबारा इमरान खान साहब जी उन्होंने अज रावलपिंडी च तकरीबे हलफ बरदारी जिहड़ी आ उहदे नाल खिताब कीता, हलफ लिया एक गल। दूसरा जनाब के अज दोबारा फिर दहशतगर्दी का पाकिस्तान ते हमला होया और स्कूल के बच्चों की वैन उत्ते हमला किया गया, वो एक अफसोसनाक वाकया होया जी। उहदे ते गल करदे आ। सब तो पहली गल जिहड़ी आ जिहनूं इस लानती मीडिया ने ये पाकिस्तान की आवाम जिहड़ी आ उहदे वास्ते भी सोचण दा मकाम आ, पाकिस्तान के अस्करी अदारे जिहड़े आ उन्हां वास्ते भी सोचण दा मकाम आ कि वह मुस ने पाकिस्तान जिन्हें पाकिस्तान दे नाल भलाई की, जिन्हों जलील किया, जिदे ये लफज सी कि मैं सब तो ज़्यादा जरा वा अपनी जिंदगी की बड़ी गलती की इस कौम ते आसान करके, वो शख्स कौन सी? उहदे ये अल्फाज शायद मेरी गल करन नाल तुहानू याद आ गए होण। अज जी पहली बरसी सी डॉक्टर ए क्यू खान दी, और ना मेरे वो अदारे जिन्हां दी इज्जत वकार शान ताकत हर चीज़ जिहड़ी आ इस्लामी दुनिया दे विच मुतारफ कराई गई, बल्कि दुनिया दे विच पाकिस्तान दी ताक बिठाई गई, पाकिस्तान दा दिफा मजबूत किया गया, पाकिस्तान नू नायाब किया गया, उहदे ते एक लफज किसी ने नहीं बोलिया जी। ये बड़े अफसोस की गल आ। डॉक्टर ए क्यू खान की अज पहली बरसी सी पाकिस्तान च। नवाज शरीफ, इमरान खान, इस तो अलावा कौम नहीं बाहर निकली जी। कायदे आजम नू भी भुल गई जी। कल ईद मिलाद उन नबी सी, वह जनाब मनाया गया बड़े जौक शौक दे नाल। अज उस बंदे दी बरसी सी जिन्हें पाकिस्तान ते आसान किया और जिन्हों जलील किया, पाकिस्तान दे नाल जिन्हें भला किया उन्हों जुतियां दा हार पवाया। ये उन्हां दा कहण दा मकसद सी। एक इंटरव्यू उन्होंने फुटपाथ ते बह के दिता सी ते ये गल कही सी कि मेरे को सब तो बड़ी गलती ये हुई आ इस कौम ते मैं आसान किया। हुण मेरी कौम आप सोच लवे किन्ने आज ट्वीट किए आ, किन्ने जिहड़े लोग आ वो जज्बात के नाल मरियम नवाज दे, नवाज शरीफ दे, इमरान खान दे, ते मौलाना फजल रहमान दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे जनाब जियाले, मैं कहना जी पुछो कुछ ना जी पागल होए हुंदे आ। रोटी खानी याद ना रवे ना रवे फेसबुक ते ट्विटर ते उन्हां दा जनाब जिहड़ी आ ना बयान उन्हूं जनाब जरूर लिखना भी आ, दिल नाल भी लिखना कि किथे असीं फिरदे आ ते किथे असीं इस कौम दे कोलों कोई तवक्को रखी जा सकती है। जिहड़ी अपने मौसम नूं ना याद रखे, जिन्हें कायदे आजम नूं रोल दिता फड़ के रिश्वत दे नां दे उत्ते, ये वो कौम है जी। उन्हें डॉक्टर ए क्यू खान नूं की याद रखना? बरल के अफसोस की गल आ, किसी बंदे ने इस मौजू ते गल करना पसंद नहीं की थी। पूरे मीडिया चैनल चो एक चैनल मैनू नज़र आया जी जिन्हें बोल न्यूज़ ने खुल खिला के ये गल की, ये अपना वर्जन दिता, उन्हां दी तस्वीरां शेयर कीतियां, हर चीज़ की, लेकिन अफसोस आ मैनू अपनी कौम दे उत्ते, मैनू अफसोस आ उन्हां लोगां ते जिहड़ा एक किराए दे टट्टू जिहड़े आ, सब मैं विचे सब नू गिणदा जी, उन्हां वास्ते ते मर मिटण वास्ते तैयार आ जी। बर्दाश्त नहीं हुंदा उन्हां वास्ते, नवीं तो नवीं गल कढ के लियांदे आ ओ जनाब आली, उहदे वास्ते ते इन्ना टाइम दिता जांदा, लेकिन मुस ने पाकिस्तान वास्ते तुहाडे को दो लफज कहण जोगे नहीं सी कि एक मौसम साढ़े को बिछड़ गया। बहरहाल के जी दूसरी गल ये आ जी, इमरान खान साहब जिहड़े आ उन्होंने अज रावलपिंडी दे विच तकरीबे हलफ बरदारी जिहड़ी आ उत्थे गए सी, वो बुलाया तो सी जनाब यूनियन कौंसल दे होर जिहड़े दूसरे तीसरे मैंबर सी, जिहड़े इन्हां दी वर्किंग कमेटी सी उहदे मैंबरान सी, लेकिन उत्थे आवाम जिहड़ी आ वो इतनी ज़्यादा आ गई, वो एक जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई, उन्नी बहन जगह नहीं सी जिनी दुनिया बाहर खड़ी सी। बहर हर के इमरान खान साहब ने जी उत्थे तकरीर की, अपने कुछ जिहड़े मैसेजेस आ वो जिन्हों देने सी उन्होंने भी दिते, कुछ जनाब मियाँ साहब न मैसेज दिते, कुछ जनाब उन्होंने मरियम नवाज साहबा की भी गल की, बाकी जी गल उन्होंने ये गल कही कि हुण मेरी तुहाड़ी मुलाकात जी उदन होएगी जिस दिन लौंग मार्च होएगा
उस तो बाद हलफबरदारी हुई, तकरीर उन्होंने छोटी जी की, बड़ी सोफेस्टिकेटड जी तकरीर की। उस तो बाद उन्होंने कहा जी जे लफज उन्होंने कहते कि हूँ उदन मुलाकात होनी जी जिदन लौंग मार्च होना। ये दौरान दे जनाब बोल न्यूज़ के एक एंकर आ जी उन्होंने उन्होंने कुछ शार्ट जहा इंटरव्यू लिया जी राह चलते हुए। उन्होंने कहा कि खान साहब तुम लौंग मार्च की कॉल दे जा रहे हो, आवाम जी आवाजार हो गई या फलां हो गया। उन्होंने कहा क्या तुम लौंग मार्च करना भी हाँ या नहीं करना। उन्होंने कहा एक ख्वाब ख्याल तक किसी हादसा हो सकता कि मैं लौंग मार्च नहीं करना, मेरी तैयारी आ और कुछ वजह वजूहत आ जी जी वजह नाल वो रुके हुए आ। जिसले एन प्रोग्राम जड़ा सैट हो जाएगा वो मैं हूँ थोड़ा जहा नक्शा पेश करता, वो प्रोग्राम अपने पैर से आप ही कुहाड़ी मारी जा रही जी, यानी काली अगे टोए वो काम किया जा रहा। कल जी एक दो दिन ला के एक वीडियो रिकॉर्ड की गई जनाब जी नवाज शरीफ साहब की रिलीज हुई सी, कुछ सवालात जड़े उठाए गए कल की वीडियो मैं वह जिक्र किया, कुछ सवालात मुख्तसर करते हैं जी गल। सवालात उठाए गए जी अदलिया उत्ते, कुछ सवालात जड़े आ उठाए गए जनाब वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब नूं लियांदा सी जी। कुछ सवालात जड़े आ वो ये उठाए गए कि मैं मुल्क जड़ा उदी खातर कुर्बानी दिती आ, एटम बम जड़ा वा वो मैं बनाया सी जी, हालांकि उन्होंने बटन भी नहीं दबाया सी। बाकी उन्होंने होर काफ़ी कुछ जी अपना उस दे विच किया। वो जिहड़ा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया वह मरियम नवाज साहबा की सरप्रस्ती च होया, चार सहाफ़ी उत्थे बिठाए गए सी सिर्फ जी, और चार सहाफ़ियां नूं बोलन दा सिर्फ टास्क ये दिता गया सी कि मखसूस जे सवाल पूछने आ जी जी करनी आ बहुत अच्छा करना वा। उस तो बाद एडिट भी अपनी निगरानी च किया गया, जिदा ड्रैइंग रूम च बह के बंदा आपस गल करते वीडियो जी रिकॉर्ड करते गया कर ली जाए और उस तो बाद शेयर करता जाए। ये होया जी उहदे ते जनाब रात कन्न खड़े हो गए जी जिन्हां दे होने से जी। उन्होंने कहा कि यह तो जिथे काम मुशरफ साहब वाला सी एक तो गल उधर नूं जा रही लगती आ, यह तो साढ़े गल दे विच असी गलती कर बैठे हाँ तो हुण इहदा मतलब है सजा भी भुगतीए। वो जनाब कल का प्रोग्राम जिहड़ा वा उहदे ते सोच विचार शुरू हो गई आ। जनाब फड्डा हैगा जी इमरान खान का कि वह हुण तक अंदर क्यों नहीं गया, उन्होंने नाहल क्यों नहीं कराया गया, मैनू वतन वापस क्यों नहीं लिया गया, तो जो मेरे दिल च आर्मी चीफ साहब का नाम मेरे दिल दे विच आ वह क्यों नहीं मनिया जा रहा जी। इत्थे डेडलॉक कायम आ जी और ये जिहड़ी सूरत हाल आ जिहड़ी परेशानी तुहानू नज़र आ रही आ उहदी ये मेन एक वजह यह भी आ कि हालात जिहड़े आ वह खराब हुंदे नज़र आ रहे आ, सोच विचार शुरू हो गई आ। जिहड़ी मैं गल दसी कि जिदा मुशरफ साहब दे नाल पहले प्यार मुहब्बत नाल पींगा वधाईयां गईयां, फिर उन्होंने जनाब इत्थों कढ़िया गया, फिर उन्हां ते आर्टिकल 6 लाया गया, वह फिर सोची पै गए भी ये ना हो साडे नाल भी यही कुछ होवे। वह कल दे सोची पए सी, हजे वह सोचते पे सी, तो जवेद लतीफ साहब जी आ उन्होंने सवेरे पटाका पाता जी वो ते पी टी वी ते बह के, अजकल वो घर का टी वी है ना जी, घर का जिदा कहो उदा ही किया जाता वा। नवाज शरीफ साहब की तकरीर जी भी उतो पी टी वी तो जी बाकी चैनल ने ली आ, और जिस वेले तकरीर नवाज शरीफ साहब की जी की जा रही थी नशर की जा रही थी उस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कोहराम मचाया जी, जरा सेंटोरस शॉपिंग मॉल आ एक नहायत खौफनाक किस्म की अग लगी हुई सी, लेकिन किसी मीडिया ने उहदे तवज्जो नहीं दिती ना उन्हों गौर किया गया। ये अल्लाह ताला दा शुक्र होया जी कि उत्थे कोई जानी नुकसान नहीं होया, लेकिन मीडिया ने उधर तवज्जो नहीं की। उन्होंने कहा मुल्क सड़दा सड़ जाए साड़ी जेब खर्चा ना बंद होवे और गल भी नहीं की, को हल्का फुल्का टिकर चलाया चला के दसिया जी कि इस्लामाबाद च आतशजदगी का वाकया पेश होया सेंटोरस दे विच, इस तो अगे कोई गल नहीं। वो मुकम्मल जरा वीडियो बयान आनू चलाया गया क्यों हदायत इदा दी जी सख्त किस्म की, हूँ अपना पेट तो ज़्यादा तो कोई चीज़ इन्ना प्यारी होंगी, अपने बच्चे भी पालने हैं अपने मुलाजम भी पालने हैं, इस वास्ते ताबेदारी करनी पैंती है। जवेद लतीफ साहब ने जी सवेरे कुछ सवाल उठाए जी, उन्होंने कहा कि 250 सफ़ियां की किताब आ जिदा वॉल्यूम 10 सी जी ना अदालत दे विच बंद पिया, नवाज शरीफ साहब को
वॉल्यूम 250 आ जी पिया। वो कहिंदे आ जी हजे एक सफा खोलिया जिहदे तहत आ सारा काम तुहानू नज़र आया जी, आ रजीम चेंज हुई आ, अगली गल हुई आ, या जो कुछ आ पिछला दौर दे विच साढ़े नाल भला चंगा होया वा वो तो असी हुणे हजे एक सफे दे ही, यानी एक जिदा कहिंदे ना ओ तू फलानिया दो नफलां दी मार आ। वो वाकया ये सी जी पी एक मा बंदा सी जिमीदार, वो जनाब वो जानवर पालदा सी, वो जानवर मरी जाने, वो मरदे रहे, किसी ने कहा तू नमाज पढ़िया कर, अच्छा वो नमाज भी पढ़ ला पिया ते उहदे फिर भी जानवर मरने शुरू हो गए, वो ना हटे, वो मरदे मरदे जी उहदे को आखिरी एक कट्टा बच गया जी, ते नमाज पढ़दा सी ओह उस वेले, वो कट्टा हुण रौला पावे ते उहनू गुस्सा चढ़ गया, उहने कहा वो कट्टिया कट्टिया चुप कर जा तू दो नफलां दी मार आ। इदां ही नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि या मेरी गल मन लो, जिवें लतीफ साहब ने जिहड़ी गल समझाई आ, नहीं तो 250 सफ़ियां दा जिहड़ा मेरे को वॉल्यूम आ ना उहदे एक सफ़े दी मार आ जी सारा कुछ। इहने हर चीज़ नू हिला के रख दिता, वो पी टी वी ने फिर अपने उतों डिलीट किया जी, वह सारा कुछ वो किस वजह तो होया, किन्ने क्या उस तो बाद जिहड़ी सोच विचार आ वह गहरी हो गई आ कि ये मामला तो जिथों छड़ के गए सी मुझे क्यू निकाला वाली जिहड़ी गर्दान सी उतों चले आ, तो ये तो फिर उत्थे ही आ जी, इन्हां च तां बदलाव ही कोई नहीं आया। वो उन्होंने खतरा पै गया ये ना हो डान लीक्स का भी हिसाब होन लग पे, पनामा लीक्स का भी होन लग पे, तो सिलैक्टर सिलैक्टेड का भी हिसाब होन लग पे, तो असी किधर नूं जाणा, मुल्क दे हालात तो इस पोजिशन से नहीं है। फिर जनाब जिहड़ा हैगा वा जवेर लतीफ साहब उन्होंने कहा कि लाडले नूं कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा जी हजे तक, जिहड़ा वो सलाखां दे पिछे नहीं गया जी, वो हुण लाडलिया नूं तां 1100 अरब रुपये का रिलीफ देता गया, जमानतां हो गई, तुहाडी जान छुट गई, मरियम बीबी बाहर चली गई, नवाज शरीफ साहब जिहड़े जिन्हां नूं है ही कुछ नहीं सी वह बाहर चले गए, बाकी तुहाडे नाल हर तरह तावन किया जा रहा, तुहाडे को हुण अपने तौर पर तुसीं गलतियां कीतियां, तुसीं मुआहदे जिहड़े IMF दे नाल पिछे जिहड़े वड्डे बाबा जी आ उहनां नाल गल्लां करके उहदे तहत मुआहदे कीते, हुण इहदे विच इन्हां विचारे जिहड़े स्याणे लोग आ जां उहनां दे थल्ले जिहड़े काम करदे उहनां दा की कसूर सी, उह तां तुहानूं लै आए, तुहानूं सारिआं नूं LV लाती, सब कुछ इकट्ठा कर दित्ता, तुहानूं 6 महीने हो गए तुहाडे वल देखदिआं नूं, शायद कोई मुल्क दा भला हो जावे, तुहाडे कोल तां उह नहीं होया, हुण उहदे तां उहनां दा कोई कसूर नहीं ना जी। अपने आप भी सोचो कि तुहानूं उहने मौका दिता, उन्होंने जायज़ नजायज़ हर तरह जिहड़ा तुहानूं सपोर्ट करन दी कोशिश कीती, तुहानूं हैल्प आउट करन दी कोशिश कीती, तुहाडी जगह फोन कर करके पैसे जिहड़े आ उह तुहानूं कोई मुलक दूसरा नहीं दिंदा सी, तुहानूं पैसे लै के दित्ते उन्होंने, उह इह आर्मी चीफ साहब दा शुक्रिया अदा करना चाहीदा, इह उहनां दी ड्यूटी नहीं सी लेकिन फिर भी उन्होंने तुहानूं हैल्प कीती, और उहदे बावजूद सिर्फ इस गल बदले कि अगला जिहड़ा सानूं सिनैरियो आ चेंज हुंदा नज़र आ रहा उहदे ते हुण तुसीं जनाब धमकी लाणी शुरू कर दिओ, इहदे ते हुण देखो जी की सूरत हाल आ, ये गंभीर सूरत हाल अख्तियार हो जाणी आ, ते जिहड़े स्याणे लोग आ उह कल दे सोची पै गए भी कितें कम खराब ना हो जाए। बाकी जिहड़ा इमरान खान साहब आ जी उन्होंने भी अपना प्रैशर जिहड़ा पूरा रखिया आ, आ इलैक्शन जिहड़े आ 16 तरीक नूं इलैक्शन आ जी, जिहड़ा इलैक्शन कमीशन ने कल एक अजलास बुला लिया जी, जिन्हें अदारे आ उन्हां दे सरबराहां नूं सद लिया जी, IG सद लिया कि फैसला किया जाए कि आया इलैक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये हुण ये ना हो जिस तरह जिहड़ा आडियो लीक्स वाला केस आ वह फसदा जांदा जी, वो आप ही फसण लग पए, वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जिहड़े आ उन्होंने अज अपना एक ट्वीट किया उन्होंने ये इंडिया दे दिता वा कि ये जरा मामला इनू सुप्रीम कोर्ट च लजाया जा रहा, और जी उन्होंने लीगल टीम आ उन्हें वर्किंग 2-3 दिन तो शुरू करती है, एविडेंस काफ़ी सारे इकट्ठे कर ले, 16-17 प्रेस कॉन्फ्रेंस वा उन्होंने जोड़ा मतन आ आडियो जड़िया नशर की गई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी न किसी मीडिया चैनल पर हुई ना उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट जिहड़े आ उह नाल लाए गए आ, उह सारे मामला जिहड़े आ उहनूं इकट्ठा करके ते उह जनाब लै के चले आ सुप्रीम कोर्ट दे विच कि इह सिक्योरिटी रिस्क आ, और अगर वजीर आजम पाकिस्तान दा जिहड़ा कोई भी हो सकता उह शहबाज शरीफ साहब आ जी, उहनां दी भी आडियो लीक हुई आ, इमरान खान साहब दी भी हुई आ,
ये मामला जिहड़ा इन्होंने छेड़ता लिया, मैं तुहानू एक वीडियो चगली च कहा सी कि ये इन्हां दे गल पै जाणा, उही गल हुंदी लगदी पई आ कि आ बैल मुझे मार, इन्होंने वो काम किया। इस तरह जिहड़ा जिहड़ा हैगा वा इलैक्शन कमीशन साहब, वह हदूद ओ कयूद जिहड़े आ उहनू मलहूजे खातर नहीं रख रहे, ये भी इन्हां दे गल एक गल बन जाणी आ। ये अज बन जाए, कल बन जाए, परसों बन जाए, मकसद ये आते महीने नूं बन जाए, लेकिन ये इन्हां दे मामला जिहड़े आ खराब हो जाने आ। फिर जिहड़ा वा शर्मिंदगी अदालत दे विचों जिहड़ा आएगा आर्डर, उहदे तहत जिहड़ी शर्मिंदगी होएगी, वह अपनी इज्जत वकार जिहड़ा अपनी सर्विस कीती आ वह जिहड़ी आ वह दागदार हो जाएगी। ये चीज़ जिहड़ी आ इहदे ते इलैक्शन कमीशन साहब जिहड़े आ उहनां नूं गौर करना चाहीदा। बंदा जदों बुढ़ापे वल जावे, जदों सर्विस रिटायरमेंट के नज़दीक होवे, अपने आप को पाक साफ रखे ताकि अदारे विच एक मिसाल रवे। पिछे जो गुनाह किए सवाब किए वह अलहदा होंगे आ, जाते जाते मुल्क का भी भला करता, बंदा तस्बीह भी करता, अल्लाह नूं भी जाण तो पहले याद करता, माफ़ी भी मंगता, तो अदारे जो जाण लगे भी अपने जिहड़े मुलाजमीन होंगे आ, अपने जिहड़े रुफका होंगे, अपने दोस्त होंगे आ, उन्हां को माफ़ी मंगी जाती। ये नाल नाल जी राणा सनाउल्ला साहब जिहड़े आ ओ जनाब उन्हां दा भी मामला जिहड़ा गंभीर हुंदा जा रहा। वो कल भी जनाब एंटी करप्शन की जिहड़ी फोर्स सी, चार पांच जिहड़े बंदे सी ओ गए सी गिरफ़्तार करन, ओ थाणा अपारा च गए सी, उत्थों उन्होंने दौड़ाता जी। अज उन्होंने अदालत नाल राबता किया, मौजूद अदलिया जिहड़ी आ उन्होंने कहा जी जाओ उन्होंने गिरफ़्तार करके लैके आओ, उन्होंने कहा जी वो तावन नहीं करते, उन्होंने कहा तुसीं जाओ। वह गए जनाब उत्थे सैक्रटरीएट थाने च गए आ, उन्होंने जनाब उन्होंने कहा जी सानू पता ही कोई नहीं कित्थे आ ते कौन कौन, असी इस मामले तुहाडी कोई हैल्प नहीं कर सकते। राणा साहब ने हजे तक अपनी जमानत भी नहीं कराई भी मैं कि फस ना जावा या मैं अदालत च जमानत लैन जावा, तो वो जनाब कह भी चलो पहले उस छोटी अदालत चो भुगत के आओ तो फिर साढ़े वाल आओ। ये भी हो सकता जी चांस इस तो वह क्यों आप वकील आ, उन्होंने पता इस गल का, वो जनाब आसे पासे आ। हुण ये सूरत हाल जी है गंभीर होंगी जा रही राणा साहब वास्ते, अदलिया ने जनाब उन्होंने आर्डर करते आ, जिहड़ी एंटी करप्शन के महकमे के जिहड़े मुलाजमीन से उन्होंने रिक्वेस्ट की सी जी अज सुबह के जनाब तुसी जनाब आर्डर एक दफ़ा फिर जारी कर दिओ। उन्होंने कहा जिहड़े आर्डर असी कल जारी किए आ उही काफ़ी आ और उही आर्डर ते अमल करते हुए उन्होंने गिरफ़्तार किया जाए। हुण देखो जी सवेरे उन्होंने जाना अदालत नूं रिपोर्ट देनी आ, उहदे मतलब की जिहड़ी गलबात आ उह पेश होएगी या नहीं होएगी, या उहदे ते मौजूद अदलिया की हुक्म दिंदी आ, इह हुण पता लगेगा जी। बहरहाल के जी पोजीशन जिहड़ी आ उह सियाणे लोगों की भी सोच विचार जिहड़ी आ उह पै गई आ। इहदे नाल नाल इमरान खान साहब की तैयारी जिहड़ी आ उह मुकम्मल हो गई आ, इलैक्शन का इंतजार किया जा रहा, कुछ वो देख रहे कि आ जिदा कुहाड़ा मारिया एक अद्धा कुहाड़ा होर अपने पैर से मार लैन तो मैं जड़ा वा वो लंग मार्च लैके तो चढ़ दौना। बाकी जी